आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। भावनाओं में बह के मैं अपने बेटे के लिए कौन सी लड़की का चुनाव कर बैठा? एक ऐसी लड़की जिसके पास संस्कार नहीं है, एक ऐसी लड़की जो अपने स्वार्थ के लिए हमसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाती। नीलू, अगर वो लड़की इतनी कम उम्र में ये सब कुछ कर सकती है, जरा सोचो कल को बड़ी होकर जब इस घर में आएगी तो क्या कुछ नहीं करेगी। पापा गलत सोच। शट अप। अरे वो तो हमारी कोशिश और मां काली की कृपा से तुम बच गए, वरना इसका अंजाम क्या होता पता है तुम्हें? तुम्हारी जिंदगी और करियर दोनों बर्बाद हो जाता, इस घर की मान मर्यादा इज्जत सब मिट्टी में मिल जाता। ऐसा कैसे कर सकते तुम? चुप, एकदम चुप। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मुझे। और ये सब करते समय तुम्हारे मन में एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया? हम सब करना सही, कम से कम अपनी मां का ख्याल किया होता। अनुराग, तुम्हारी वजह से ये 3 दिन कैसे बीते? इस बार तुमने लापरवाही की सारी हद ही पार कर दी। तानी के बारे में सोचकर तुम सोचोगे तानी के बारे में? इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, खुद की छोटी सी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए मां की मदद लेनी पड़ती है तुम्हें, और तुम करोगे तानी की मदद? मुझसे नहीं कह सकते थे? अगर मैं तुम्हें छोड़ा सकता हूं तो तानी को भी छोड़ा सकता हूं। उसका गुनाह अपने सर लेने की क्या जरूरत थी? ये गलत कदम उठाकर तुमने बहुत बुरा किया अनुराग। ये देखो, ये सारे पेपर्स। शहर का एक भी अखबार ऐसा नहीं है जिसमें शेखर गांगुली का नाम और तुम्हारा करतूत ना छपे, और ये सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। महान बनने का ऐसा कौन सा शौक चल रहा था तुम्हें? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी सोच क्या है। क्यों किया तुमने ये सब? किसके लिए? तानी के लिए। मुझे उस लड़की पर भी बहुत गुस्सा आ रहा है। 3 दिन से हमारे साथ है, हमारे आगे पीछे चल रही है, लेकिन एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि हम ये सच्चाई बताई जाए। और तुम उसके लिए सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हो, और वो खुद को बचाने के लिए आंखें खोलकर ये तमाशा देख रही है। समझ में नहीं आ रहा कि विमल जैसे इंसान की तानी जैसी स्वार्थी बेटी कैसे। वैसे तो हमें मां बाबा कहती रहती है, लेकिन मां बाबा का दुख नहीं दिखाई दिया उसे। उसकी नीलू मां 3 दिन से बिना खाए बिना सोए बस रोए जा रही है, उसे भी सच नहीं बताया। ये भी तो हो सकता है कि तानी ने ये बात लाबुनी माँ को बताई हो, लेकिन लाबुनी माँ ने जानबूझकर ये बात हमसे छुपाई। अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्होंने अनु को हमारी अच्छाई का बहुत गलत फायदा उठाया है। पहले तो मुझे लगा कि मैंने गलती से कह दिया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वाकई मुझे तानी और अनुराग की शादी नहीं करनी चाहिए थी। भावनाओं में बह के मैं अपने बेटे के लिए कौन सी लड़की का चुनाव कर बैठा? एक ऐसी लड़की जिसके पास संस्कार नहीं है, एक ऐसी लड़की जो अपने स्वार्थ के लिए हमसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाती। नीलू, अगर वो लड़की इतनी कम उम्र में ये सब कुछ कर सकती है, जरा सोचो कल को बड़ी होकर जब इस घर में आएगी तो क्या कुछ नहीं करेगी। पापा गलत सोच। शट अप। अगर एक शब्द ही कहा आगे ना तो एक झापड़ मारूंगा। चल यहां से, बाद में चल।
दानी अरे बाबा तू रो क्यों रही है? तू तो अनु के घर गई थी ना, वहां कुछ हुआ क्या? नहीं माँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तू रो क्यों रही, बोल क्या हुआ? माँ वो जो सुबोध का एक्सीडेंट हुआ था ना, वो अनु की नहीं मेरी वजह से हुआ था। ये कहा था मेरे और तानी की दोस्ती के बीच में जो भी आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कब देखा था तूने मुझे और तानी को किस करते हुए? अनुराग से तानी की शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे उन दोनों की शादी नहीं करनी चाहिए थी। भावनाओं में बह के मैं अपने बेटे के लिए कौन सी लड़की का चुनाव कर बैठा? एक ऐसी लड़की जिसके पास संस्कार नहीं। अगर वो लड़की इतनी कम उम्र में ये सब कुछ कर सकती है तो जब बड़ी होकर इस घर में आएगी तो सोचकर देखो क्या कुछ नहीं करेगी। बात छुपाई तूने मुझसे, इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। शेखर दा गलत नहीं थे, तूने गलती की है ना। पहला गलती तूने ये किया कि तूने सुबोध को धक्का दिया, और दूसरा गलती ये कि तू मुझे बोली भी नहीं। अरे बाबा अगर सच बोल देती तो कम से कम ये सब तो नहीं होता ना। क्यों नहीं बोला तूने मुझे? बोल, क्यों छुपाया तूने मुझसे? क्योंकि माँ, उन्होंने मुझे अपनी दोस्ती की कसम दी थी। उसने कहा था कि अगर मैं ये बात किसी से भी कहूंगी तो वो हमारी दोस्ती तोड़ देगा, और मैं हमारी दोस्ती तोड़ना नहीं चाहती थी माँ। अरे बाबा ये कसम वसम कुछ नहीं होता है। माँ ये तुम कह रही हो, मैंने कितनी बार देखा है माँ, पापा तुम्हें कितनी बार अपनी कसम देते थे और तो बिना कुछ कहे उनकी बात मान लेती थी। तो मेरा और अनु का रिश्ता भी तो कुछ ऐसा ही है ना, तो मेरी अनु की कसम को इम्पोर्टेंस देना कहाँ गलत है माँ? और अगर मैं अनु की कसम तोड़ देती तो क्या तुम्हें तो अच्छा लगता माँ? बोलो ना माँ। तू सही भी है और गलत भी, मैं तुझे दोष दे नहीं सकती। और शेखर दा वो तुझे दोष देते हैं तो कुछ कह भी नहीं सकती। पहले ही शेखर दा तेरे और अनु की शादी को लेकर पछता रहे, अब सच जानने के बाद पता नहीं तुम दोनों के रिश्ते का क्या होगा।